भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने जनता को आगाह किया है कि वो प्लास्टिक वाले या लेमिनेटेड आधार स्मार्ट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि इनकी अनाधिकृत छपाई से QR कोड काम करना बंद कर सकता है या उनकी सहमति के बिना ही व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो सकती है। प्राधिकरण का कहना है कि आधार पत्र या इसका कटा हुआ भाग सामान्य कागज पर आधार का इंटरनेट से निकाला गया संस्करण या एम आधार पूरी तरह वैध है। प्राधिकरण का कहना है कि आधार स्मार्ट कार्ड की अनाधिकृत छपाई से उपभोक्ता को 50 से 300 रुपए तक की लागत आएगी, जो कि पूरी अनावश्यक है। प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि प्लास्टिक या PVC आधार कार्ड का आमतौर पर QR कोड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनाधिकृत छपाई के दौरान ये कोड काम करना बंद कर देता है। इसके अनुसार इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी उसकी मंजूरी के बिना ही सार्वजनिक की जा सकती है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।